तो इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ सिखाया था कैसे आप एनएफटी कैलेंडर के ऊपर अपना इवेंट बनाकर उसे पब्लिश कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये इवेंट पब्लिश हो जाएगा और यहाँ पर एनएफटी कैलेंडर की तरफ से मुझे मेल आ जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर आपको वेरीफिकेशन करना है, यानी कि अपने इवेंट को वेरीफाइड करना है, जो कि यहाँ पर आपको टिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहले आप वेरीफाइड कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एनएफटी कैलेंडर का रूल चेंज हो चुका है, जिसके बारे में दोस्तों हमने इसी यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट डाला था। दोस्तों उस पोस्ट में हमने डिस्कॉर्ड पर एनएफटी कैलेंडर की टीम से बात किया था, जो कि वहां पर रूल चेंज हो गया है। अब दोस्तों यहां पर आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपने अभी तक जितने भी वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर जैसे वेबसाइट पर अपना फ्री का या वेबसाइट बना लेते थे, तो दोस्तों यहां पर वो वेबसाइट नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। ओके, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप ट्विटर अकाउंट पर अपने एनएफटी को प्रमोट कर सकते हो, हाउ टू प्रमोट योर एनएफटीज ऑन ट्विटर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पहले से ट्विटर अकाउंट नहीं है तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इसे 2 मिनट में बना सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट बनाते हो, सेम उसी स्टेप को फॉलो करके यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका एडमिन स्किल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको पता ही होगा अर्निंग स्किल और पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोस मिलती रहती हैं। यहां पर दोस्तों आपको अपना ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद यहां पर आपको अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करना है, जिस तरीके से मैं यहां पर आपको ट्विटर एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूं, सेम स्टेप को फॉलो करके आप अपने एनएफटीज को प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों यहां पर आप 3 तरीके से अपने एनएफटी को प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों यहां पर आप अपने एनएफटी को प्रमोट करने के साथ ही यहां पर आप बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकते हो एनएफटी के बारे में। नई नई जानकारी जितने भी आती है सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है इस ट्विटर अकाउंट पर। यहां पर दोस्तों आप बड़े बड़े एनएफटी जो बनाते उनसे आप कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे आप बातें कर पाएंगे और उनसे जानकारी ले पाएंगे कैसे एनएफटी सेल होती है और किस तरीके से हमारी एनएफटी प्रमोट हो सकती है और किस तरीके से बायर एनएफटी को खरीदते हैं। सब कुछ यहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला तरीका है वो है कि बड़े बड़े जो भी बायर हैं या फिर जो भी एनएफटी को बनाते हैं उनको आप फॉलो करो। यहां पर जो दूसरा तरीका है दोस्तों, यहां पर गिववे चलता रहता है, उस गिववे में आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको वैसे ही गिववे की तरह एक इवेंट बनाना है। यहां पर दोस्तों जो सबसे लास्ट और सबसे बेहतर तरीका है वो है यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको अपने ट्विटर अकाउंट पर आकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप अपने लिस्ट खोलेंगे, उसमें जितने भी मेंबर होंगे सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उनके एनएफटी को आप देख पाएंगे, वो आपके एनएफटी को देख पाएंगे। इस तरीके से आप अपने एनएफटी को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको सिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको एनएफटी प्रमोट करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे आपको यहाँ पर सर्च वाला आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है एनएफटी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे एनएफटी तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एनएफटी के बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। यहाँ पर आप लॉटेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अभी हाल ही में कितने लोगों ने यहाँ पर आपने ट्वीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पीपल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जितना भी अकाउंट वेरीफाइड दिख रहा है या फिर वैसे जो भी यहाँ पर बड़ा अकाउंट है उन सभी अकाउंट को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पर जिनका भी अकाउंट वेरीफाइड है उन्हें तो आपको फॉलो करना ही करना होगा, और जिनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है उनको भी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं अगर उनके अकाउंट पर ज्यादा फॉलोवर्स हैं और उनके अकाउंट पर ज्यादा लाइक्स आते हैं, उनके ज्यादा ट्वीट होते हैं, तो दोस्तों आप उनका अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको नई नई एनएफटी के बारे में डिजाइन के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, उस तरीके से आप अपने एनएफटी को बना सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस फोटो वाले ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो भी रिसेंटली में ट्वीट हुए हैं सभी ट्वीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एनएफटी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। और अगर आप अपने एनएफटीज को वीडियोज में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप वीडियोज का आइडियाज ले सकते हो। यहाँ पर आपको नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं, बस आपको डेली अपना ट्वीट चेक करना है, अरे भाई हमने तो इन्हें फॉलो कर लिया लेकिन अब मुझे करना क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना या फिर दोस्तों उन सारे अकाउंट को यहाँ पर ओपन करके रिट्वीट करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है जिनको अभी आपने फॉलो किया था। दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको फॉलो किया था तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी एक ट्वीट यहाँ पर आई है जो कि GIF फाइल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक है लाइक का ऑप्शन और एक है शेयर का ऑप्शन, एक है रिट्वीट का ऑप्शन और एक है कमेंट का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिट्वीट करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिट्वीट, इस पर आप क्लिक करके इसे आप डायरेक्टली रिट्वीट कर सकते हैं, ये रिट्वीट हो गया। अगर दोस्तों मुझे मान लीजिए इनको रिट्वीट करना है और कुछ लिखकर रिट्वीट करना है, सिंपल यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगा क्विट ट्वीट, दोस्तों सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना। जैसे आप क्विट ट्वीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे किसी को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों किसी को मेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको @ लगाना है, उसके बाद यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NFT।
अब हमने यहाँ पर दोस्तों कॉइन बेस NFT को यहाँ पर मैं ट्वीट कर रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर अपने फोटो अपलोड करने चाहते हैं, अगर रिट्वीट में अपना फोटो डालना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपने गैलरी से कोई भी फोटो ले लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप फोटो भी रिट्वीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी उनका रिट्वीट देखेगा चेक करेगा, उसमें दोस्तों आपकी फोटोज आपकी NFTs दिखेगी, तो दोस्तों आपकी NFTs पर रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको रिट्वीट करते समय दोस्तों आपको अपना कलेक्शन का लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कमेंट पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कमेंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कलेक्शन की या फिर अपने NFT के लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। जिस तरीके से यहाँ पर हम अपने कलेक्शन के लिंक पेस्ट करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको रिप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कमेंट डन हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने अकाउंट पर एक अच्छे से अच्छे ट्वीट डालनी है, जिस तरीके से ये सारे लोग डाल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर ट्वीट किया जाता है, सिंपल यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन दिखेगा प्लस का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपने NFTs को यहाँ पर डाल सकते। हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों माई फर्स्ट NFT आर्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी लोगों को फॉलो किया है उन सभी को यहाँ पर आपको टैग करना है। टैग कैसे करना, सिंपली यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको @ का साइन ले लेना है। इसको लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उन सारे पर्सन का नाम लिखना है, जो जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनको आपने फॉलो कर रखा है उनको यहाँ पर आपको टैग करना है। इससे क्या होगा कि आपकी NFT उनके पास पहुंचेगी। अगर आपकी NFT देखते हैं दोस्तों, बड़े लोग होते हैं, अगर उनको अच्छी लग गई तो आपकी NFT खरीद भी सकते हैं आपके NFT कलेक्शन पर जाकर। दोस्तों यहाँ पर आपको टैग करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर आपको @ का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उन पर्सन का नाम लिखना है जिनको आपने फॉलो कर रखा है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर फॉलो किया है NFT को, तो सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ NFT कॉइन बेस वाले को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ गया है कॉइन बेस NFT, तो सिंपल यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया, यानी कि इनको टैग हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 10 तक लोगों को टैग जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप टैग नहीं करोगे तो उनके पास तक NFT पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ पर आपको टैग जरूर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी NFT GIF फाइल में है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी NFT फोटोज है तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है फोटो वाले ऑप्शन पर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने गैलरी से कोई भी फोटो ले लेनी है। सिंपली यहाँ पर ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली ट्वीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप ट्वीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका ट्वीट पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद ये सब देखने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है अपने लोगों पर। लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे आपने ID पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो भी अभी आपने ट्वीट किया है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो भी आपने रिट्वीट किया था सब कुछ यहाँ पर आपके सामने आकर दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप ट्वीट करते समय गिववे कर सकते हैं, अपने NFTs का गिववे कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आप गिववे के चक्कर में दोस्तों आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे और आपके NFT को आपके NFT कलेक्शन के लिंक पर क्लिक करके आपके NFT तक पहुंचेंगे। दोस्तों गिववे के कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है NFT गिववे। जैसे दोस्तों आप यहां पर सर्च करेंगे NFT गिव्वे, उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आएंगे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर NFTs का गिव्वे चल रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे। इस तरीके से दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट बनानी है गिव्वे की। एक आपको अच्छा सा NFT बनाना है जिसपे आपको लिखना है गिव्वे, और इस तरीके से यहां पर आपको अपना पोस्ट कर देना है, ट्वीट कर देना है। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रहे, जब भी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो दोस्तों यहां पर आपको पीछे एक अच्छा सा बैनर लगाना है और यहां पर आपको एक अच्छा सा NFT का लोगो डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में लिखते समय यहां पर दोस्तों आपको अपने कलेक्शन की लिंक और अपने NFTs की लिंक यहाँ पर आपको डाल देनी है, ताकि कोई भी पर्सन को कोई भी बायर को आपके NFT पसंद आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल खोलकर और उसके बाद उस लिंक पर क्लिक करके आपके NFT यानी कि आपके मार्केट प्लेस अकाउंट तक पहुंच जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली अपने लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन आएगा लिस्ट का, सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से लिस्ट बनाकर रखा, जो कि यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर का नाम का एक लिस्ट देख रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप जितने भी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया या फिर पहला लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन में ध्यान रहे आपको अपने कलेक्शन की लिंक या फिर अपने NFTs की लिंक, या फिर दोस्तों आप जिस भी मार्केट प्लेस पर अपने NFT को अपलोड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस मार्केट प्लेस अकाउंट का लिंक यहाँ पर आपको जरूर डालना है। यहाँ पर आपको एक प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करते हैं तो दोस्तों ये लिस्ट आपकी प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इसे पब्लिश रहने देता हूं, मैं इसे पब्लिश करता हूं। तो इस तरीके से यहां पर आपको अपने लिस्ट को पब्लिश करनी है। सिंपली यहां पर आपको क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपकी लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि अभी हमने जो यहां पर एड इन स्किल 0 #2 के नाम से यहां पर एक लिस्ट बनाई थी, वो भी यहां पर पब्लिश हो चुकी है। मैं इसे ओपन करता हूं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों यहां पर अभी देख सकते हैं कोई भी मेंबर यहां पर नहीं है। मेंबर कैसे ऐड करना, चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी लोगों को यहां पर आपने फॉलो कर रखा है उनके अकाउंट को यहां पर आपको ओपन करना। जैसे आप अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरीके से उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उनके अकाउंट के यहां पर ऊपर आपको 3 डॉट मिलेगा, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पे दोस्तों यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड रिमूव
फ्रॉम लिस्ट, सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी लिस्ट आपने क्रिएट कर रखे होंगे आपके सारे लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाली लिस्ट में इन्हें ऐड करता हूँ, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक कर देंगे, बस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दोस्तों अपनी लिस्ट बना सकते हो, एक अच्छी सी लिस्ट बनाओ, उसमें अपने एनएफटी को अपलोड करो। और दोस्तों यहाँ पर आपने जितने भी लोगों को फॉलो कर रखा है सभी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो एज ए मेंबर। तो दोस्तों ये थे तीन तरीके जिनकी मदद से आप अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने एनएफटीज को प्रमोट कर सकते थे, वो सारे तरीके हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। और अगर हाँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।